ऑफ पेन कास्ट प्रोजेक्ट के इस डंप पर 29/5/2020 के प्रथम पाली में लगभग 8:30 बजे सुबह एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक वॉल्वो डंपर ऑपरेटर स्वर्गीय सागर राम की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। राजापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बस्ताकोला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आइए देखते हैं कि यह दुर्घटना कैसे घटी थी। बस्ताकोला एरिया के राजापुर ओपन कास्ट आउटसोर्सिंग पैच में दिनांक 29 मई 2020 को प्रथम पाली में हुई दुर्घटना का यह नाइट रूपांतरण था, जिसमें एक वॉल्वो ऑपरेटर की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के मुख्य कारण इस प्रकार हैं: ओबी डंप का समतल नहीं होना, वॉल्वो ऑपरेटर स्वर्गीय सागर कुमार का पहले से अनलोड कर रहे वॉल्वो डंपर के काफी नजदीक अपनी वॉल्वो को खड़ी करना, स्वर्गीय सागर कुमार का काम के दौरान हेडफोन मोबाइल फोन का उपयोग करना, सवेल ऑपरेटर का वॉल्वो डंपर में बोल्डर को सही ढंग से लोड नहीं करना, जिससे डंप करते समय डंपर असंतुलित हो गया। डंपर एवं सवेल ऑपरेटर्स को एसओपी की पूरी जानकारी नहीं होना, साथ ही एसओपी का पालन नहीं करना। डंपर एवं सोवल ऑपरेटर्स का सिम्युलेटर ट्रेंड नहीं होना, ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो अथवा इनको रोकने के उपाय, डंप को सुपरवाइजर की देखरेख में समतल बनाना चाहिए, जिससे कोई भी डंपर डंप करते समय असंतुलित ना हो। दो डंपर के बीच में कम से कम 15 मीटर की दूरी हमेशा बनी रहे। काम के दौरान कोई भी कर्मी मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। ओबी लोड करते समय सवेल ऑपरेटर बड़े बड़े बोल्डर लोड ना करें, ताकि डंप करते समय डंपर संतुलित रहे। सवेल डंपर ऑपरेटर्स एवं सभी कर्मी को अपने अपने काम का एसओपी की पूरी जानकारी हो व इसका पालन हो। सभी सॉवेल एवं डंपर ऑपरेटर्स को सिम्युलेटर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो किसी भी आकस्मिक घटना को संभाल सके। आइए कोल इंडिया के शून्य क्षति के उद्देश्य को हम मिलकर हासिल करें।